जो भी ये रेसिपी आपके हाथ की खाएगा ना, बिना आपकी तारीफ किए बगैर तो वो रहेगा नहीं। इतनी अच्छी चटपटी ये रेसिपी बनती है, पानी पूरी के पानी से दही वड़े भी बनेंगे और पानी पूरी का पानी भी बनेगा, बहुत चटपटी बनती है। तो फ्रेंड्स, इस होली को और चटपटी बनाइए और ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 1 कटोरी भर के हरा धनिया, उसमें मैंने डाल दिया आधा कटोरी पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं इसमें मैंने, और ये मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची, एक मैं वापस रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा पानी इसलिए, और ये डाल दिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, ये मैंने डाल दिया है सिका हुआ जीरा, काला नमक और ये सादा नमक जो हम डेली यूज़ करते हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैं नींबू का रस डाल रही हूँ इसे और चटपटा बनाने के लिए, और पीसने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से बारीक चटनी इसकी बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने पीस लिया है और इसे मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ जिसमें मैं ये रेसिपी रेडी करूँगी ना, बनाऊँगी, वही बर्तन में मैं इसे निकाल रही हूँ। इसमें बाउल में मैंने निकाल लिया और मिक्सी के जार में पानी डाल के और उसमें जो भी चिपका हुआ था ये हमारी चटनी वो निकाल ली है। अभी मैं इसमें जितने वड़े डालूँगी उतना ही पानी रखूँगी, बाकी का मैंने निकाल लिया है और सादा पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। तो आधी ग्लास मैंने इसमें सादा पानी भी डाल दिया है। अभी इसे खट्टा मीठा करने के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, आप चीनी की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अभी आधी चम्मच में इसे चाट मसाला इसमें डाल रही हूँ जिसमें आप कभी भी ये सोच नहीं पाएंगे कि पानी इतना टेस्टी बनता है चाट मसाले से, तो ये एकदम पानी पूरी का टेस्ट देगा। तो ये चाट मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैंने ली है ये मूंग की दाल जिसे मैंने 6-7 घंटे भिगो के रखा था, छोटी वाली छोटी दाल रहती है ना वो, तो वो अच्छे से फूल गई है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची, आप तीखा और कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया। अभी दाल खाते हैं तो दाल में हींग की ज़रूरत ज़रूर रहती है। 2 चम्मच मैंने सूजी डाल दी है इसमें, और इसे हम पीस लेंगे। तो एकदम पतला नहीं करना है लेकिन इसे बारीक पीसना है। ये मैंने पीस के बाउल में निकाल लिया है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते रहेंगे। मैं चम्मच से मिला रही हूँ, आप चाहे तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। जितना फेंटेंगे उतने हमारे ये वड़े फ्लफी बनेंगे। और मैंने डाल दिया है 1 पिंच के लगभग इसमें सोडा, खाने वाला मीठा सोडा रहता है वो डाल दिया, इसे भी मिक्स कर दिया है। और अभी तेल की तरफ चलते हैं। मैंने 1 चम्मच लिए, उसे पानी में डुबोते जा रही हूँ और ये वड़े का ये लेते जा रही हूँ घोल, इसमें तेल में डाल रही हूँ। और तेल को आपको मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और देखिए हमारी ये वड़े बन के रेडी हैं, तो बहुत जालीदार और एकदम ये बनते हैं, स्पंजी बनते हैं ये वड़े। तो ये मैंने दूसरे बेच के भी इसमें निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़े वड़े बन के रेडी है। अभी मैं ये गर्म पानी लिया है, मतलब गुनगुना पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और फिर से मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से पानी में घोल देंगे। तो नमक और चाट मसाले को मैंने पानी में घोल दिया, गुनगुना पानी लेना है आपको अगर जल्दी चाहिए वड़े तो ये तरीका है बराबर, नहीं तो आप डायरेक्ट भी वो पानी पूरी के पानी में डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें डाल के और 3 से 4 मिनट इन्हें पानी में रहने दिया, तो ये पानी को अच्छे से सोख कर चुके हैं और फूल भी गए हैं। अभी ये वड़ों का हम पानी ये निकाल देंगे, तो ये पानी इनका निचोड़ लेना है अच्छे से। देखिए निचोड़ने के बाद भी वड़े टूट नहीं रहे हैं, इतने ये फूले फूले और स्पंजी बने हैं। अभी ये पानी को मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो एकदम ठंडा होने के बाद ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने बारीक वाली सेव डाल दी है और ये नमकीन बूंदी डाल दी है मैंने इसमें। अभी ये वड़े जो हमने नमक के पानी से निकाले थे वो इसमें डाल दिए हैं पानी पूरी वाले पानी में। तो ये पानी पूरी का पानी आपको बहुत टेस्ट देगा, कम सामान में हमने ये पानी पूरी का पानी बनाया फ्रेंड्स, लेकिन स्वाद ये आपको पानी पूरी का ही पानी का देगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट रहता है। इसमें मैंने लाल मिर्ची का थोड़ा सा पाउडर जो रहता है वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और ये हमारे पानी पूरी के वड़े बन के रेडी हैं। अभी मैं बना रही हूँ दही वड़े, तो ये चम्मच से मैं वड़े उठा रही हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये पानी पूरी वाला पानी भी साथ में ले रही हूँ, और ये मीठा दही मीठी चटनी इसके ऊपर डाल दी है। ये ग्रीन चटनी डाल रही हूँ तीखी वाली, तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये लहसुन वाली है और ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और ये देखिए ये हमारे वड़े भी बन के रेडी है, दही वड़े। तो ये दही भल्ले भी बन गए हैं और पानी पूरी वाला पानी भी बन गया है, उसमें हमारे वड़े भी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही रेसिपी से आप 3-3 रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है।
और सच बोलूँ तो जो भी खाएगा ना बिना तारीफ के नहीं रहेगा। इतनी अच्छी ये रेसिपी बनती है चटपटे पानी के साथ, और थोड़े से सामान से ये पानी बन के रेडी होता है, लेकिन आपको टेस्ट वैसा ही लगेगा जैसा हम पानी पूरी खाते हैं ना, वैसा ही उसका टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पानी पूरी के, पानी के साथ दही वड़े और हमारे दही भल्ले। तो आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स, ये मेहनत कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। तो ऐसी ही चटपटी और नई रेसिपी के साथ कल फिर आती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।